गांव में एक लड़का था जिसका नाम सूरज था। सूरज बहुत ही आलसी था और हमेशा सोचता था कि कल कर लेंगे। वो हर काम टालता रहता था, पढ़ाई, काम, हर चीज को वह हमेशा अगले दिन पर छोड़ देता था। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह होने वाला था जिसमें कई पुरस्कार दिए जाने थे। सूरज के गांव में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी बाबा आए थे। उन्होंने कहा, जो इस प्रतियोगिता में सबसे अच्छा काम करेगा उसे बड़ी इनाम मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें समय का सही उपयोग करना होगा। सूरज ने सोचा, ये तो आसान है, मैं कल शुरू करूंगा, अब तो आराम करता हूँ। उसने किसी भी काम को गंभीरता से नहीं लिया। वह अगले दिन भी अपनी आदतों में ही था, काम टालता गया। समारोह का दिन आया, सभी गांव वाले समय पर वहां पहुंचे और अपनी मेहनत से अच्छे परिणाम दिखाए। सूरज बेमन से वहां आया, लेकिन उसे कुछ भी करने का समय नहीं मिला। जब प्रतियोगिता खत्म हुई, सूरज को एहसास हुआ कि वो अपनी आलस्य और समय की अनदेखी के कारण हार चुका था। बाबा ने सूरज को देखा और कहा, तुमने समय को बर्बाद किया, इसलिए तुम हार गए। याद रखना, जो समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। सूरज ने सिर झुका लिया और तब उसे समझ में आया कि समय सबसे बहुमूल्य चीज है। अब वह न केवल समय का महत्व समझता था बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का भी मन बना चुका था। समय को कभी हल्के में न ले। जो समय का सही उपयोग करते हैं वही जीवन में सफल होते हैं।